शुभ संध्या सभी विद्यार्थियों को। मैं पंकज शर्मा, हिंदी विषय का अध्यापक। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। और हमारा आज का विषय है विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले हमने संधि के कुछ भागों में संधि के बारे में जाना कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद हमने जाना संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इसके पश्चात हमने जाना स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं और व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, और उनकी परिभाषाओं को जाना कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और आज हम जानेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम विसर्ग संधि के बारे में ही पढ़ते हैं, उसके बाद में हम एक बार पुनः मोटे तौर पर विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के कुछ नियमों को पढ़ेंगे या उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आप ये विसर्ग शब्द के आगे दो बिंदुओं को देख रहे हो ना, तो इन्हीं बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें लिखा है यानी कि पूर्व पद, इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने वीडियोस देखी हैं इससे पहले वाले, तो उनको पता होगा सभी को कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने कुछ शब्द कलर किए हैं, तो इनमें आप नहा देख रहे हो और आ देख रहे हो, तो जो प्लस के निशान के पूर्व में ने है और प्लस के निशान के बाद में जो ए है, इस ने को हम कहते हैं पूर्व पद और इस ए को हम कहते हैं उत्तर पद। तो अब आपको मैंने पुनः बता दिया है, आपको जो विद्यार्थी नए होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे उनको पता होगा, परंतु मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वाले संधि की वीडियो को ज़रूर देखें, और वो भी क्रमशः, नहीं तो आप इसमें काफ़ी बाधाएं आएंगी आपको और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो पूर्व पद में यहाँ इस ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है यानी कि विसर्ग, यानी कि इन दो बिंदुओं के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि पूर्व पद में जो ये विसर्ग हैं ये विसर्ग ऐसे ही रहेंगे, परंतु उत्तर पद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो डेफिनेटली जहाँ ये सिचुएशन होगी, ये परिस्थिति जहाँ पर होगी वहाँ पर विसर्ग संधि ही होगी, ये 100% कन्फर्म है। और जहाँ पर इस परिस्थिति में होने के बाद में जो विसर्ग हैं उनमें परिवर्तन हो जाए, अर्थात जब हम इसका मेल करेंगे तो जो विसर्ग है वो विसर्ग विसर्ग ना रहकर दूसरी सिचुएशन में बदल जाएगा। वो किस किस सिचुएशन में बदलेगा उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या परिस्थिति होगी कि वह विसर्ग ओ में या ऊ में या आ में बदल जाएगा। तो जैसे कि एक उदाहरण दिया गया नीचे, मनह प्लस अनुकूल, तो यहाँ पर हमें पता चलता है विसर्ग के बाद में अगर कहीं ए आ जाता है तो उस विसर्ग को ओ हो जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग को ओ हो जाएगा और ए वहाँ से हट जाएगा। मतलब जहाँ पर वो जो ए है वो ए न रहकर, ठीक है, विसर्ग के साथ में ओ हो जाएगा, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मनो हो गया मनो और नुकूल, तो मनोनुकूल बन गया ना, मनोनुकूल, हाँ मनोनुकूल। तो विसर्ग को क्या हो गया, ओ हो गया, अर्थात यहाँ पर परिवर्तन हो गया। आपने देखा है कि पूर्व पद में तो विसर्ग ही है
लेकिन उत्तर पद में विसर्ग नहीं है, उत्तर पद में ए है, और ए क्या है, स्वर है। क्योंकि ऊपर आप नियम में देख रहे हो कि पूर्व पद में विसर्ग होगा, यानी कि पहले विसर्ग और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। चलिए अब आपके समझ में आ गया होगा कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं विसर्ग संधि के कुछ नियमों के बारे में, जो अलग अलग परिस्थितियां बताएंगे कि किन परिस्थितियों में विसर्ग को किस वर्ण में परिवर्तन करना होगा। चलिए विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है, विसर्ग के पहले यदि ए और बाद में भी ए हो, अथवा विसर्गों के अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, इससे पहले हमने व्यंजन संधि के पूर्व में हमने पढ़ा था कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग मतलब समूह, यानी कि किसी भी चीज़ का एक समूह। तो हमने जैसे कवर्ग बोला, कवर्ग का मतलब हुआ का वर्ग का समूह, यानी कि कै का जो कै जो है उसका पूरा समूह, पूरा ग्रुप उसका, और उसका कौन सा ग्रुप है, कै खै गै घैंग। तो इस प्रकार से ये कवर्ग का पूरा ग्रुप हुआ। तो यहाँ पर यही लिखा है, यानी कि वर्गों के तीसरे, यानी कि पांच वर्ग हुए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन पांचों वर्गों के जो तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण है, यानी कि जैसे कि च कवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, का खा गा, यानी कि गा तीसरा वर्ण है, चौथा घा है। इस प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी वर्गों के, केवल एक के नहीं, अथवा ठीक है पांचवा वर्ण अथवा ठीक है ये रे ले वे हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। अब देखो कितनी बड़ी बात कही उसने, यानी कि मनः प्लस अनुकूल है, यानी कि मनः प्लस अनुकूल में देखो प्लस के निशान के पूर्व में विसर्ग है। अब ध्यान दीजिए इसके नियम पे क्या कहा था, इसने कहा था विसर्ग के पहले भी ए और बाद में भी ए है ना। तो पहले तो ए है, अब बाद में क्या है, विसर्ग के पहले कैसे ए है, क्योंकि विसर्ग के पहले न है, और न व्यंजन अधूरा नहीं हो, मतलब जो है व्यंजन जो है वो विसर्ग के साथ में लगा हुआ है, यानी कि न में न का वर्ण विच्छेद करेंगे तो न से क्या निकलेगा, ए। तो न में ए हुआ, तो यानी कि विसर्ग के पहले भी ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है। तो यानी कि पहले भी ए हुआ, बाद में भी ए हुआ, तो उसको ओ हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर इसने कहा था अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हो, कहा ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए अधा प्लस गति, अधा प्लस गति में विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व में क्या है, ए है, और विसर्ग के बाद में क्या है, गे है ना। तो वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ कै खै गे हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल नियम वही चला, तो अधा को अधो हो जाएगा, अधो प्लस गति, अधो गति। क्लियर। अगला देखते हैं मनः प्लस बल। अब बे क्या है, व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, पवर्ग का तीसरा वर्ण है, पे फे और बे, और विसर्ग के पूर्व में क्या है, ए है, और विसर्ग के बाद में क्या है, बे है, और बे क्या है, व्यंजन पवर्ग का तीसरा वर्ण। उसने कहा था ना वर्ग के तीसरे, चौथे अथवा पांचवे वर्ण में से कोई भी हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को ओ बन जाएगा। तो मनः प्लस बल, यानी क्या हो जाएगा, मनोबल। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम आता है विसर्ग का, यानी कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो। ध्यान दीजिए इसने क्या कहा, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, यानी कि विसर्ग के पहले भी कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद में भी कोई स्वर हो।
यानी कि विसर्ग से पहले तो ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, लेकिन विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, यानी कि ए आ भी आ गया उसमें। वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा ये रे ले वे है में से कोई हो तो विसर्ग को रे अथवा रे हो जाता है, यानी कि पूरा रे या फिर आधा रे, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। क्लियर जी? चलिए, समझ में आया? आसान है बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, निः प्लस आहार। अब यहाँ पर प्लस के निशान के पूर्व में विसर्ग हैं। अब इसने ऊपर अपने नियम में कहा कि यानी कि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ दो और उसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो यहाँ विसर्ग से पहले नी वर्ण है, तो नी वर्ण में न तो ए है न आ है, इसमें है ई, छोटी ई है ना, तो और ई क्या है, एक विसर्ग स्वर है। और फिर उसने बाद में कहा था प्लस के निशान के, यानी कि जो बाद में, तो बाद में मतलब हुआ प्लस के आगे वाला हिस्सा, ठीक है, यानी कि बाद वाला हिस्सा, उत्तर पद, यानी कि तो उत्तर पद में यहाँ पे आहार है और आहार का पहला वर्ण है आ, यानी कि बाद वाला वर्ण हुआ आ, तो ये भी विसर्ग स्वर है। तो इसने कहा था विसर्ग के पूर्व में ए या आ को छोड़ के कोई भी वर्ण हो, यहाँ पे ई है, और इसने कहा विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो और यहाँ पे आ है, तो विसर्ग के पहले भी स्वर है, विसर्ग के बाद में भी स्वर है और नियम के अनुसार है, बिल्कुल है। तो चलिए, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, रे या रे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आधा रे या पूरा रे, लेकिन यहाँ पर इसको जो है आधा रे हो जाता है। अब इस आधे रे में निर प्लस आहार हो जाएगा, तो और आ को रे के साथ जोड़ेंगे तो रा हो जाएगा, तो बन जाएगा निराहार। अगला देखते हैं, निः प्लस आशा। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, विसर्ग के पूर्व में ई है और विसर्ग के बाद में फिर से आ है, तो क्या हो जाएगा, निराशा, निर प्लस आशा, निराशा। अगला थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिए, निर प्लस धन, सॉरी निः प्लस धन। अब यहाँ पर विसर्ग से पूर्व में तो ई है, परंतु विसर्ग के बाद में न तो कोई ए है न कोई आ ई उ, यानी कि कोई स्वर नहीं है, यहाँ पर है व्यंजन, और व्यंजन कौन सा है, यहाँ पर धा, यानी कि धन, और धा किस में बनता है, तवर्ग में, ता था दा धा, यानी कि तवर्ग का चौथा वर्ण। और इसने क्या कहा ऊपर अपने नियम में, देखिए इसके, वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण में से कोई भी हो, बाद में, बाद में ध्यान दीजिए इसका भी, बाद में होना चाहिए, पूर्व में नहीं, तो यहाँ बाद में क्या है, धा है, तो नियम के साथ में है बिल्कुल ये, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, और रे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्धन। निः प्लस धन बराबर निर्धन। तो चलिए अगला नियम देखते हैं, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो। फिर से वही बात की है इसने, विसर्ग से पहले जो है कोई भी स्वर हो, ध्यान दीजिए, और बाद में चे छे या शे हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। आसान है, ध्यान से पढ़ा नियम। अब उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसको, निः प्लस चल। अब विसर्ग है, पूर्व पद में क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है। इसने क्या कहा था, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विसर्ग के बाद में इसके नियम के अनुसार च या छ होना चाहिए या श हो, तो इन तीनों को क्रमशः, इन तीनों को नहीं क्रमशः, ठीक है, जो विसर्ग होगा उसको श हो जाएगा। अब यहाँ पे पूर्व उत्तर पद में च है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो निश प्लस चल, यानी कि निश्चल। निः प्लस छल, अब यहाँ छा भी है, ठीक है, और विसर्ग के पूर्व में स्वर भी है, तो स्वर है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। निश प्लस छल तो क्या बन जाएगा, निश्चल। जैसे नियम में यहाँ पूरा शा लिखा है ना कि विसर्ग को शा हो जाएगा, तो ये शा पूरा नहीं, ये आधा है,
इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा अशुद्धि हो रखी है, इसको आधारक समझना। दुह प्लस शासन, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूर्व विसर्ग से पूर्व में स्वर है, क्योंकि दा में ऊ है और ऊ क्या है, स्वर है, तो स्वर है ना, तो विसर्ग के पूर्व में स्वर है, विसर्ग के बाद में शा है, तो पूर्व में विसर्ग को क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दुशासन। क्लियर। चलिए अगला नियम देखते हैं। ओ यहाँ पे विसर्ग के बाद में यदि तय या स हो तो विसर्ग को स बन जाता है। अब यहाँ पर भी है वही नियम चलेगा, विसर्ग के पूर्व में कोई भी स्वर हो, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन विसर्ग से पूर्व में यहाँ पर भी कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के पूर्व में कोई भी स्वर हो परंतु विसर्ग के बाद में यदि तय या स हो तो उस विसर्ग को क्या बन जाता है, स बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, नमः प्लस ते यानी कि नमस्ते, निः प्लस संतान यानी कि निसंतान। यहाँ पे नमः प्लस ते है तो विसर्ग के पूर्व में स्वर्ग है परंतु बाद में क्या है, तय, तय है ना, क्योंकि तय में स्वर भी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए अगर आपको कि तय में तो स्वर है, परंतु जब हम किसी भी वर्ण का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम पहले व्यंजन लिखते हैं आधा करके, उसके बाद स्वर लिखते हैं। जैसे कि नमः प्लस ते में, नमः में जो मैं है उस मैं का स्वर बाद में आएगा, इसलिए मैं पहले नहीं आएगा, मैं हलंत के साथ में और प्लस ए, ऐसे लिखोगे ना वर्ण विच्छेद करोगे, तो मैं का जो ए है वो बाद में आया, इसीलिए विसर्ग से पहले स्वर कहलाया, तो इसीलिए विसर्ग के बाद में व्यंजन कहलाया तय, तो व्यंजन में तय आ गया। अब जब तय आ गया तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, स बन जाएगा, तो नमः प्लस ते यानी कि नमस् प्लस ते बन जाएगा वो, और हो जाएगा नमस् प्लस ते नमस्ते, निहि प्लस संतान, निहि में जो विसर्ग है, अब उत्तर पद में जब स आ गया और पूर्व पद में विसर्ग के पहले नकार में आपने इकारांत देखा तो वो क्या हो गया, स्वर कहलाया, तो यहाँ पे निहि प्लस संतान यानी कि निसंतान हुआ। अब इससे अगला है दुह प्लस साहस, यानी कि जो दुह है उसमें विसर्ग है, ध्यान से देखिए, विसर्ग से पूर्व में क्या है, दा में ऊ है, तो विसर्ग से पूर्व में यहाँ भी स्वर्ग है, तो विसर्ग से पूर्व में यहाँ पर भी स्वर हुआ और बाद में क्या हुआ, बाद में क्या है, स है। अगर उत्तर पद में स है तो पूर्व पद में विसर्ग को क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, तो दुस प्लस साहस, तो दुस्साहस। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों को सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, परंतु अगर फिर भी किसी को कोई भी संदेह है तो वह अपने प्रश्नों को बेझिझक होकर पूछ सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे इससे पहले क्या नियम चल रहे थे, इससे पहले नियम चल रहे थे यानी कि विसर्ग से पूर्व में कोई भी स्वर आ जाए, परंतु यहाँ पर निश्चित कर दिया कि विसर्ग से पहले ई और ऊ होगा, उसके अलावा कोई भी और विसर्ग, कोई भी और यानी कि स्वर यहाँ पर मान्य नहीं कहलाएगा। तो अब इस नियम को आगे देखते हैं। उत्तर पद में इसने कहा क ख ट ठ प फ, यानी कि कवर्ग टवर्ग और पवर्ग, इनके पहले दोनों वर्ण, कवर्ग टवर्ग और पवर्ग, ध्यान दीजिए, कवर्ग टवर्ग और पवर्ग यानी कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, क्योंकि कवर्ग चवर्ग फिर टवर्ग फिर तवर्ग छोड़ के पवर्ग, तो है ना, तो कवर्ग टवर्ग और पवर्ग इनके पहले दो दो वर्ण हैं,
का खा टा ठा पा फा, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य षकार बन जाएगा, यानी कि षटकोण वाला षकार वो बन जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, निः प्लस कलंक। अब पूर्व पद में निः है, यानी कि निः में विसर्ग है, यानी कि विसर्ग से पूर्व में क्या है, ई है। इससे पहले इसने क्या कहा अपने नियम में, यानी कि पूर्व पद में ई होगा और उत्तर पद में कोई भी वर्ण हो, कवर्ग का सॉरी कोई भी वर्ण नहीं, कवर्ग टवर्ग और पवर्ग के पहले और दूसरे वर्ण में से कोई भी वर्ण हो, यानी कि कै खै टै ठे और पै फै में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को शकार हो जाएगा। तो निः प्लस कलंक, अब उत्तर पद में क्या है, कै है। अब उत्तर पद में कै है तो पूर्व पद में क्या हो जाएगा, विसर्ग को शको शकार बन जाएगा। तो निश प्लस कलंक, तो क्या बन गया, निष्कलंक। अब अगला देखते हैं, चतुः प्लस पाद। अब चतुः प्लस पाद में तो पूर्व पद में जो विसर्ग है उससे पूर्व में क्या है, स्वर है। कौन सा स्वर है, इसमें उकारांत है, ऊ स्वर है। तो ऊ स्वर हुआ तो विसर्ग को क्या हुआ, विसर्ग को बन गया क्या, विसर्ग को अगर पूर्व पद में स्वर हुआ तो विसर्ग को क्या बन गया, विसर्ग को बन गया पूर्व शकार, शकार में बदल गया विसर्ग। तो चतुष प्लस पाद, तो चतुष्पाद। निः प्लस फल, अब पे फे, उत्तर पद में फे है, पूर्व पद में विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व में इकारांत भी है तो ई है वो विसर्ग से पूर्व में, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, शकार। तो निश प्लस फल, तो क्या बन जाएगा, निष्फल। चलिए ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगले नियम पे देखते हैं, विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये नियम मुख्य है। यहाँ पर विसर्ग किसी रूप में परिवर्तित नहीं होता है, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग गायब हो जाता है, विसर्ग को हटा दिया जाता है। परंतु उसका नियम क्या है, विसर्ग से पूर्व में को ए या आ हो, विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर नियम में गलत लिखा है, विसर्ग से पहले इसमें लिखा हुआ है ए या आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ विसर्ग से पूर्व में इकारांत आ जाए और उत्तर पद में जो है कोई भी भिन्न स्वर हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे, क्योंकि इसके नियम में यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पर लिखा है। निः प्लस रोग है। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पूर्व में इकारांत है, यानी कि विसर्ग से पहले इकारांत आ सकता है, यानी केवल ए आ नहीं ई भी आ सकता है। तो जैसे निः प्लस रोग है तो निरोग हो जाएगा, निः प्लस रस है तो क्या हो जाएगा, नीरस। तो ये इसका यहाँ पर ये उदाहरण है, इसको मैं अगली वीडियो में आपको और क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखा है, विसर्ग के बाद में कै खै अथवा पै फै आने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कै खै या पै फै आने पर, परंतु कैसी परिस्थिति में, जहाँ पर पूर्व पद में ए हो, जैसे अंतः प्लस करण, ठीक है, अंतः प्लस करण, तो अंतःकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि पूर्व में ए है और उत्तर पद में के है, तो अंतःकरण का अंतःकरण लिखा जाएगा। आज की वीडियो में हमने जाना व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और हमने ये भी पढ़ना था आज की वीडियो में कि इसकी पुनरावृत्ति भी करनी थी कि विसर्ग संधि व्यंजन संधि कि कुछ नियमों की हमने पुनरावृत्ति करनी थी, जो मैंने पूरी वीडियो के शुरुआत में कहा था, परंतु वीडियो अधिक लंबी होने के कारण आज हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।
परंतु मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि के क्या क्या नियम हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है विसर्ग संधियों का। इससे पूर्व में जो हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़े, मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि वो उनकी पुनरावृत्ति जरूर करते रहे, क्योंकि मैंने जैसे पहले वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि संधि एक ऐसा विषय है अगर आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो वह आपकी समझ में नहीं आएगी और कुछ समय के पश्चात आप उसको भूल जाएंगे, परंतु अगर आप पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो यह संपूर्ण जीवन आपके काम आएगी। आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए भी, तो भी ये आपके बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय साबित होगा। तो इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करके उसके नियमों को पढ़ें, और कोई भी आपको संदेह है तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और सभी छात्रों से अनुरोध है कि जैसे कि हमारे अकेले केवल हमारे देश में नहीं संपूर्ण विश्व में जो परिस्थिति हो है इस समय, उसका ध्यान रखें, घर पर सुरक्षित रहें, और आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।